आप देख सकते हैं कि आज गैस के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ मंच पर पहुंचे हुए हैं और मुद्दा जो है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से जो हमारे नैसर्गिक जल स्रोत हैं उनको दूषित किया जा रहा है। यहाँ पर एक ढाबा संचालक है जो भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ है राठौर, वो पीथमपुर की जो कंपनियां हैं वहां से इंडस्ट्रियल गैस लेता है और उनको अपने यहाँ जमीनों में उसने उनके गड्ढे खड़े कर रखे थे और नदी के अंदर वो पहुंचा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये देखिए, आप जूम करिए, जूम करके आप नदी को किस तरीके से पूरा पानी काला हो गया है और ये जो पूरी नदी में ये पानी जाता है और ये पूरी नदी काली हो गई है। तो ये मुद्दा सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, ये सभी का मुद्दा है और ये नदी आगे जाके लासन गांव के पास नर्मदा नदी में मिलती है और नर्मदा नदी से वाटर सप्लाई फिर इंदौर जैसे कई महानगरों में भी होता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, जयस ने इसको उठाया है और आज जैसा आप देख सकते हैं पीछे के हजारों की संख्या में जयस के कार्यकर्ता आज इकट्ठे हुए हैं और आज इस मुद्दे को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देने वाले हैं हम लोग। और इसके लिए आज हम आए हैं।